आज मदर्स डे है और इस खास मौके पर हम आपको मिलवाते हैं कोटा की एक ऐसी माँ से जिन्हें कोटा की मदर टेरेसा कहा जाता है, जिन्होंने करीब 1000 निराश्रित और अनाथ बच्चों का सहारा बनकर माँ का फर्ज निभाया। वहीं 48 बेटियों की माँ बनकर उनका कन्यादान भी किया। जिंदगी के 88 बसंत पार कर चुकी ये माँ है कोटा की प्रसन्ना भंडारी। आज उनके वृद्धाश्रम और निराश्रित गृह में मदर्स डे के मौके पर खास आयोजन भी हुए। इस दौरान संवाददाता भंवर एस चारण ने निराश्रित गृह का जायजा लिया और प्रसन्ना भंडारी सहित तमाम लोगों से खास बातचीत की। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे कहते ही मुंह भर आता है और इसीलिए कहा जाता है कि माँ प्रथम गुरु होती है। माँ शब्द ही अपने आप में एक पूरा संसार है। आज मदर्स डे के मौके पर पूरे देश प्रदेश में सेलिब्रेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन कोटा से खास तस्वीरें करणी नगर विकास समिति से आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से विभिन्न व्याधियों से ग्रसित बच्चे, निराश्रित बच्चे, अनाथ बच्चे, उन सब के साथ ममतामयी माँ प्रसन्ना भंडारी सेलिब्रेट कर रही है मदर्स डे को। और ख़ास देखिए किस तरह से इस मदर्स डे को अलग बनाने का प्रयास किया गया है। हैप्पी मदर्स डे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन साथ में केक पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में GUSSA यानी गुस्सा। तो गुस्से को काटना है, एक संदेश यहाँ पर देने का प्रयास किया है। प्रसन्ना भंडारी से आपकी बात कराएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इतना बता दें कि ये वो माँ है जिन्होंने करीब करीब 1000 ऐसे बच्चे जो कि अपनी ज़िंदगी में माँ के अभाव से जूझ रहे थे, उनकी माँ बनने का प्रयास किया। इनको 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं, हाल में जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला है। बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन हौसला वहीं बरकरार है कि हर वो बच्चा जो कि माँ के अभाव से जूझ रहा है वो उसकी माँ बनने की कोशिश कर सकें। प्रसन्ना भंडारी जी, ये हैप्पी मदर्स डे आपके लिए बहुत खास है, क्या मैसेज इस मदर्स डे पर आप देना चाहेंगी? संदेश बेटा क्या, बस यही कि लगन से करते जाओ काम और बच्चों को जितना अपन संभाल सकें। एक बच्चे के भी आंसू पहुंचते हैं तो अपने को बहुत खुशी मिलती है। एक बच्चा पढ़ा हुआ आता है, उम्मीद नहीं बचेगा और वो बच जाता है तो उस समय खुशी जो होती है वो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितनी खुशी होती है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर भी एक बच्चा आया था प्री मैच्योर और जगह जगह फोड़े हो रहे, काले काले, वो काले क्या फूट जाते हैं और खून ही खून उसमें से निकलता है। उम्मीद नहीं थी बचेगा लेकिन बच गया। उसके बाद हमारी भाइयों की, नर्स की, सबकी सेवाओं से वो बच्ची वो चली गई। अब 60 साल हो गए इस सेवा को करते करते प्रसन्ना जी, अब तो बुजुर्ग हो गए हैं आप, क्या अभी भी वही हौसला बरकरार है? अभी बुजुर्ग का हुई हूँ, रोज 8 बजे शाम को 6 बजे तक तो बैठी रहती हूँ, बुजुर्ग नहीं बैठा अभी हूँ। लेकिन बस यही है कि भगवान से ये कहूँगी इन पे बोझ बन के नहीं जीऊँ, जीऊँ तो इसी तरह जीती रहूँ। और सबसे पहले तो देखिए यही संदेश देने का प्रयास किया। और एक बेटी से आपकी बात करने की कोशिश करेंगे जो कि यहीं रही है, यहीं पली बड़ी है, आपसे जानना चाहेंगे प्रसन्ना भंडारी जी के साथ आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रही हैं आप, कैसे इनको इनके अंदर आप माँ ढूंढती है, क्या इनके अंदर आपको नज़र आता है? मैं, ये मेरी माँ से ही बढ़कर है, मैंने मेरी माँ की शक्ल भी तक नहीं देखी, बचपन से इन्होंने ही पाला है मुझे। जी जी जी, तो जो संस्कार प्रसन्ना जी ने आपको दिए हैं, फिर किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी करियर के बारे में आगे सोचा है, कैसा कैसे बनना चाहती हैं आप, क्या करना चाहती हैं लाइफ में? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। चलिए तो देखिए, ये वो बेटियां हैं जिनको इतना हौसला दिया है कि वो खुद सपने देख सकती है, अपने पैरों पर खड़े हो सकती हैं, लेकिन कोटा की मदर टेरेसा कहा जाता है प्रसन्ना भंडारी को। इस वक्त भी आपको दिखाएं, सेरेब्रल पॉल्स की बीमारी से ग्रस्त छोटी सी बच्ची है, लगातार उसकी सेवा पूरा इनका स्टाफ और साथ में प्रसन्ना भंडारी करती है। और देखिए मदर्स डे पर सेलिब्रेशन भी इन्हीं बच्चों के साथ हो गया है। ये छोटे छोटे बच्चे जो कि कहीं निराश्रित हैं, अनाथ हैं, अभावों से जूझ रहे हैं, माँ बाप के अभाव में है, उनकी यहाँ पर ला करके और लगातार उनको एक नई जिंदगी देने की कोशिश प्रसन्ना भंडारी कर रही है। एक मदर्स डे आया है, लेकिन ऐसे 60 मदर्स डे वो सेलिब्रेट कर चुकी है, लेकिन साथ में कहती है कि अभी मैं बुज़ुर्ग कहाँ हो गई, अभी तो हौसला मेरा ऐसे ही बरकरार है। और इसीलिए फर्स्ट इंडिया ऐसी ही माओं को 100 बार सलाम भेजता है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भंवर एस चारण, कोटा। जयपुर के एक निजी स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान बच्चों की ओर से मां को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। जयपुर के मालवीय नगर में जारपार रेस्टोरेंट में मदर्स डे मनाया गया। आओ मिलकर खोले यादों से भरा टिफिन का डिब्बा थीम पर आयोजित कार्यक्रम में माताओं ने मिलकर अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने भी अपनी बचपन की यादों को ताज़ा किया।
मदर्स डे सेलिब्रेशन हमेशा ये होता है कि मदर इज़ अ गिवर, शी इज़ अ मल्टी टास्कर, शी इज़ बिजी टेकिंग केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और समथिंग लाइक दैट. सो टुडे वी थॉट दैट वी कैन मेक ऑल द मदर्स इन्जॉय टुडे फॉर 1 to 2 hours एंड वी आर ट्राइंग टू रिक्रिएट द सीन ऑफ जब वो अपने बच्चे को पहले दिन स्कूल टिफ़िन लेके भेजती थी. तो वो टिफ़िन हमेशा माँ बोलती हैं कि टिफ़िन लेके जाओ, हेल्दी टिफ़िन हो और खाना ख़त्म करके आओ. तो वो हमने आज यहाँ किया. वन डे आई थॉट ऑफ इट कि माएँ हमेशा बच्चों को प्यार करती हैं और डांटती भी, उनको कल्चर सिखाती हैं, तो क्यों ना उन बच्चों का दर्द आज इधर लाया जाए. तो इट केम इन टू माई थॉट इन माई प्रोसेस वाई नॉट टू क्रिएट अ इवेंट कि मदर्स को बच्चों का फील दिया जाए. सो टुडे इट वॉज सो नाइस कि ऑल द मिनिस्टर्स, ऑल द लेडीज, ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, IAS ऑफिस, दे ऑल आर हेयर, दे हैव टेकन माई इन्विटेशन एंड दे आर सिटिंग इन अ क्लास रूम एज अ चाइल्ड. सो आई वॉन्टेड टू गिव दम feel and Zarpar is helping me in this, and Zarpar is a it's a Kashmiri restaurant with a multi cuisine, and these ladies have made me proud that they all are here, they are making my effort successful, what I thought in the process. Mother's Day, माँ के त्याग, समर्पण और प्रेम के प्रति आभार प्रकट करने का दिन. वैसे तो हर माँ अपने बच्चों के लिए खास होती है, लेकिन देश में कुछ माँ ऐसी भी हैं जो अपनी दोहरी भूमिका निभा रही हैं. आज हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात ऐसी स्पेशल माँ से मिलाते हैं जो देश के साथ साथ अपने बच्चों का भी बेहतर ढंग से ख्याल रख रही हैं. जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर 50 डिग्री के तापमान के बीच भीषण गर्मी में ये महिलाएँ सीमा प्रहरी के रूप में तैनात हैं. ये माँ अपने बच्चों के साथ देशभक्ति के जज्बे से सराबोर होकर देश सेवा में जुटी हुई है. आज मदर्स डे है. मदर्स डे मतलब माँ का दिन. माँ का दिन हर दिन होता है, लेकिन आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि माँ है जो अपने बच्चे को 9 महीने से अधिक जानती है, उसका लालन पोषण करती है. आज उसी संघर्ष की कहानी पर हम भारत पाक सीमा पर पहुंचे हैं, जहाँ सीमा सुरक्षा बल की महिला जवान कहीं ना कहीं जो महिला होने के साथ साथ एक माँ भी है और दोहरी जिम्मेदारी भी है वो निभा रही है. तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जब दिन भर की ड्यूटी करने के दौरान अपने घर पहुंचती है और घर पर जिस तरीके से अपने बच्चों को लाड दुलार है वो करती है और अपनी दोहरा फर्ज है वो कहीं ना कहीं निभाती हुई साफ तौर पर है वो देखी जा सकती है. नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे दिन भर अपने माँ से दूर रहते हैं क्योंकि इनको देश का फर्ज भी है वो निभाना है. और कहीं ना कहीं जिस तरीके से माँ और देश का फर्ज पूर्ण रूप से निभाते हैं, इन माओं से बात करते हैं किस तरीके से एक माँ के साथ साथ देश का भी फर्ज निभाते हैं. और आज मदर्स डे है तो किस तरीके से क्या कहना. हम अपनी माँ की सीख के अनुसार बहुत अच्छे से ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम ड्यूटी के साथ साथ अपने बच्चों का भी लालन पालन अच्छे से कर पा रहे हैं. तो किस तरीके से ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की, और 8 घंटे की ड्यूटी के बाद परिवार को किस तरीके से समय दे पाते हैं. बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी दे पाते हैं बच्चों को टाइम, बच्चों के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं ड्यूटी के बाद 8 घंटे की ड्यूटी के बाद. और बिल्कुल जिस तरीके से देश की रक्षा के साथ साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो किस तरीके से टेम्परेचर बहुत हाई है, किस तरीके से देखभाल बच्चों की भी करते हैं. ड्यूटी के साथ साथ बच्चों की भी देखभाल करते हैं और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी ड्यूटी ट्रेनिंग ही भी सब की इस टाइप से हमें डल गए हैं. इस तरीके से बहादुर माए हैं, बहादुर महिला जवान है और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत नायाब चेहरा है. किस तरीके से एक महिला होने के साथ साथ एक माँ का भी फर्ज आप निभा रहे हैं. महिला होने के नाते अपने माँ का भी फर्ज निभा रहे हैं कि ड्यूटी के साथ साथ बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं और इतनी तेज धूप और गर्मी में भी ड्यूटी पे तत्पर खड़े हैं. सीमा सुरक्षा बल की तरफ से देश की सभी माताओं को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. तरीके से कुछ और महिला जवानों से बात करते हैं, किस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे. कोई माँ एक बच्चे की परवरिश करती है वो भी एक आसान काम नहीं होता, लेकिन देश की सेवा भी आसान है, लेकिन दोनों को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए हम उसी के अकॉर्डिंग इतना ढल गए हैं कि हम दोनों बेहतरीन तरीके से दोनों काम एक साथ हो जाते हैं. बिल्कुल, जिस तरीके से आज जिससे मदर्स डे है और मदर्स डे के बसव फर्स्ट इंडिया भी इन माओं को सलाम करता है ताकि जिस तरीके से हर त्योहार, हर जो रंग है वो हम अपन अपनी अच्छा तरीके से वो निभा सके. और जिस तरीके से इस तरह से भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और भीषण गर्मी में भारत पाक पर 50 डिग्री के करीब टेम्परेचर पहुंच चुका है और इस भीषण गर्मी में भी है ये माँ है जो अपने बच्चों की भी देखभाल कर रही है और देश की भी रखवाली कर रही है. इस मौके पर मदर्स डे पर फर्स्ट इंडिया भी इन सभी को सलाम करता है. सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, भारत पाक सीमा, जैसलमेर.